आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या। बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के सिर पर कभी बाल थे या नहीं, इस बात को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि राकेश रोशन शुरू से ही गंजे थे और उन्होंने विग लगाकर कई फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया, लेकिन ये सच नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश रोशन ने अपना सिर मुंडवाया और आजीवन गंजे रहे? तो चलिए हम आपको आज बताते हैं उस राज के बारे में जिसकी वजह से राकेश रोशन आजीवन गंजे रहे। 1987 में राकेश रोशन को पहली बार बतौर डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। फिल्म थी खुदगर्ज। इस फिल्म के लिए उन्होंने जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, भानुप्रिया, अमृता सिंह, गोविंदा और नीलम को साइन किया था। राकेश फिल्म की सफलता को लेकर काफी चिंतित थे। फिल्म की मेकिंग से पहले उन्होंने तिरुपति जाकर मन्नत मांगी कि अगर उनकी फिल्म हिट हो जाती है तो वो अपने सारे बाल मुंडवा देंगे। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट भी। लेकिन राकेश रोशन का मन बदल गया, लेकिन ये राज उनकी पत्नी पिंकी को भी मालूम था, तो उन्होंने राकेश से मन्नत को पूरा करने के लिए जिद करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक राकेश पिंकी को टालते रहे। इस बीच उन्हें अगली फिल्म खून भरी मांग में डायरेक्शन का मौका मिला। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले राकेश ने मन्नत को पूरी करने का फैसला किया। राकेश रोशन तिरुपति गए और अपना सिर मुंडवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कसम खाई कि वो हमेशा बिना बालों के ही रहेंगे। इसके बाद राकेश रोशन ने कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कोयला, कोई मिल गया और कृष शामिल हैं। रघुपति राघव